जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप केपी की वाणी को अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन व्हाट्सएप कर जानकारी पा सकते हैं। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका कैरियर कैसा होगा, आपका कैरियर कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, विवाह उपरांत आपको पुत्र प्राप्ति होगी अथवा पुत्री की प्राप्ति होगी, यह सभी जानकारी आपको कुंडली बनाकर विस्तार से दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो कुंडली में लव मैरिज के योग है या नहीं, साथ ही शादी में आ रहे दोष को दूर करने के सरल उपाय बताए जाएंगे। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। वहीं हिंदी समझने वाले जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि आप नंबर इस प्रकार नोट कर सकते हैं, 8521835670, 8521835670, 85 21 83 56 और 70। तो आप हिंदी समझने वाले जातक आराम से भी नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं अगर आपको असुविधा हुई है, जल्दबाजी में निकल गया है और नंबर आप नोट नहीं कर पाए, तो आप चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वीडियो को स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और वहां आप आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो भी आप कुंडली मिलान कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं बकुर दोष और नारी दोष के योग तो नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो उनके दोष को दूर करने के उपाय अवश्य ही करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको प्राथमिक जानकारी दी गई है केपी की वाणी की सुविधाओं के बारे में। आइए अब आज की वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आज मैं आपको उन नामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग 20 नवंबर की रात्रि से बन रहे हैं और 13 अप्रैल की दोपहर तक शादी के योग हैं। ऐसा गुरु के राशि परिवर्तन के चलते हो रहा है। लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं। अगर गुरु मजबूत हो तो लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। गुरु को पुरुष सुख का और विवाह सुख का कारक माना जाता है। वहीं शुक्र को स्त्री सुख और विवाह सुख का कारक माना जाता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। तो बृहस्पति ग्रह 20 नवंबर 2021 को सुबह 11:23 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मार्गी हो जाएंगे। इससे पहले वे मकर राशि में है लेकिन वक्री है और 143 दिनों तक यानी कि 13 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहेंगे। इस दौरान 4 राशि के जातकों के और उनके नामों के विवाह के योग बन रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु यानी बृहस्पति ग्रह को बहुत बड़ा दर्जा प्राप्त है। सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है सूर्य देव के बाद। इन्हें समस्त देवताओं का गुरु भी माना जाता है। गुरु ज्ञान के सलाह के भी दाता होते हैं। बड़े बुजुर्गों वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा गुरु की कृपा से ही संभव है। यदि आपको कुंडली में गुरु शुभ है तो आपको विकट परिस्थिति में भी अपने संबंधियों का सहयोग मिलेगा। वहीं अगर गुरु अशुभ है तो विकट परिस्थितियों में भी सहयोगियों का सहयोग न मिलकर आपको कटु शब्द का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि में गुरु उच्च तो मकर राशि में निम्न होते हैं। ये धनु व मीन राशि के स्वामी हैं। सूर्य चंद्रमा व मंगल के साथ इनकी मित्रता है तो शुक्र बुध के साथ ये शत्रुवत संबंध रखते हैं। राहु केतु के साथ इनका संबंध तटस्थ है। आइए अब आज मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूँ विवाह संबंध में, कन्या के विवाह संबंध में। तो कन्या के विषय में बारे में मनु ने कहा है कि कन्या अधिक अंग वाली, वाचाल, विंगल, वर्ण वाली और रोगिणी
नहीं होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, ग्रोथ, प्रवर आदि का ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरु बल तथा पुरुषों के लिए रवि बल देख लेना चाहिए। विवाह में मास ग्रहण के लिए व्यास ने कहा है माघ, फागुन, वैशाख, मार्गशीर्ष, ज्येष्ठ, आषाढ़, इन महीनों में विवाह करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। वहीं बात करें नक्षत्र की तो रेवती, रोहिणी, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त ये नक्षत्र विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं। सौर मासो विवाद हो यज्ञादो सावन स्मता अब्दि के प्रतकार्य चौचांद्रो मासः प्रशस्यते। तो बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन दिनों में अगर कन्या की शादी होती है तो कन्या सौभाग्यवती होती है और विवाह उपरांत उसे सुख समृद्धि का प्राप्ति होती है। विवाह में चतुर्दशी नवमी का त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप विवाह पूर्ण करते हैं तो कन्या सौभाग्यवती होती है। वहीं बात करें एक समय में दो शुभ कर्म करना उत्तम नहीं माना जाता है। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, परंतु पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं हो सकता। इसे आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूं तो कि अगर कन्या का शादी कर रहे हैं आप तो उसके बाद में लड़के की शादी हो सकती है, यानी लड़की की शादी के बाद लड़के की शादी हो सकती है, लेकिन लड़के की शादी के बाद लड़की की शादी आप नहीं कर सकते। यानी कि अगर लड़के और लड़की दोनों भाई बहन हैं तो अगर आप पहले लड़के की शादी करना चाहते हैं तो 6 महीने तक लड़की की शादी नहीं कर सकते। हाँ, वहीं कन्या पहले लड़की की शादी कर दे और फिर आप आराम से लड़के की भी शादी कर सकते हैं। 1 वर्ष में सहोदर यानी जुड़वा भाई अथवा बहनों का विवाह करना शुभ नहीं माना जाता है। वर्ष भेद में और संकटों में आप इसे कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग सालों में विवाह करें, एक साथ एक मंडप पर कभी भी जुड़वा यानी सहोदर की शादी बिल्कुल ही ना करें। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि बिल्कुल ही ना करें। विवाह में छींक का दोष नहीं लगता है, यानी कि अगर कोई शुभ कार्य कर रहे हैं विवाह हेतु और उसमें कोई छींक देता है तो इसका दोष नहीं लगता है। स्पर्श का भी दोष नहीं लगता है। अक्सर ऐसे देखते हैं बड़े छोटों में पैर लग जाती है, तो विवाह में स्पर्श का दोष बिल्कुल ही नहीं लगता है। वैवाहिक कार्यक्रम में चतुर्थ, द्वादश, चंद्रमा आदि को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दसवीं तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आदि को नहीं लेना चाहिए। तिथि निषेध है, इन तिथियों में शादी बिल्कुल ही ना करें। आइए अब उन नामों के बारे में जान लेते हैं जिनके विवाह के योग बन रहे हैं। तो कुंभ राशि में गुरु का परिवर्तन हो रहा है तो कुंभ राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि के नाम अक्षर ग और स से होता है, यानी जी और एस एच से। इनके राशि स्वामी शनि होते हैं, आराध्य देव शिव जी है। भाग्यशाली रंग आसमानी है, भाग्यशाली अंक 10 और 11 है। राशि धातु लोहा, चांदी, सोना है। राशि सुव्रत नीलम है। राशि अनुकूल वार गुरुवार, शुक्रवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा, पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए पश्चिम है। राशि तत्व वायु है, जबकि राशि प्रकृति सम है। तो कुंभ राशि के जातकों के शादी के योग प्रबल बन रहे हैं और 20 नवंबर यानी कि 20 नवंबर के दिन से लेकर 13 के मध्य शादी निश्चित ही हो जाएगी। कुल मिलाकर कहे तो 143 दिनों में शादी की गारंटी है। नौकरी से जुड़े लोगों को भी फायदा होने वाला है। कैरियर और कारोबार में भी आमचूल परिवर्तन होगा, आपकी पदोन्नति होगी। व्यापार में अगर आप शामिल हैं तो व्यापार में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। लंबित कार्य पूरे हो जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर कहे तो शुभ ही शुभ होने वाला है कुंभ राशि के जातकों का, क्योंकि गुरु जो है राशि परिवर्तन कर मार्गी होकर किस्मत के दरवाजे खोल रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक है तो आपके विवाह के योग बन रहे हैं। एस और जी के जातक है और शादी जो है PRA नाम के जातकों से होने की संभावना बन रही है। अगली जो राशि है वो सिंह राशि है। तो गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से, गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ संयोग बना रहा है, किस्मत के दरवाजे खोलने जैसा है। क्योंकि गुरु जो है राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, मार्गी होंगे और सिंह राशि के जातकों की कुंडली के सप्तम भाव में जाके विराजमान हो रहे हैं। कुंभ राशि के प्रथम भाव में तो सिंह राशि के सप्तम भाव में यानी विवाह घर में विराजमान हो रहे हैं। इसके चलते सिंह राशि के जातकों के लव मैरिज, अरेंज मैरिज, दोनों मैरिजों के योग बन रहे हैं। तो अगर आप सिंह राशि के जातक है, मोटो यानी कि MTT नाम के जातक है, तो
और आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज के भी योग है, और अगर अरेंज मैरिज के योग बना रहे हैं तो आपकी विवाह निश्चित ही तय हो जाएगी और 13 अप्रैल के मध्य आपके यहाँ शहनाई अवश्य ही बजेगी। तो इनके राशि स्वामी सूर्य होते हैं, आराध्य देवी विष्णु जी है जो विवाह के कारक माने जाते हैं। लड़कियों के लिए गुरु का मजबूत होना, विष्णु जी की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य है। तो अगर आप लड़कियां हैं तो लड़की हैं तो विष्णु जी की पूजा अवश्य करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग सुनहरा है, भाग्यशाली अंक 5 है, राशि धातु तांबा सोना है, राशि शुभ रत्न माणिक्य है, राशि स्वभाव स्थिर है, राशि अनुकूलवार रविवार मंगलवार तथा गुरुवार है, राशि अनुकूल रत्न माणिक्य मूंगा तथा पुखराज है, अनुकूल दिशा पूर्व है, राशि तत्व अग्नि है जबकि राशि प्रकृति पित्त है। तो सिंह राशि के जातक की शादी के योग जो बन रहे हैं, शादी MKS नाम के जातक से होने की संभावना बन रही है। ऐसे जातक जिनकी आयु 26 वर्ष से अधिक है और 31 वर्ष के मध्य है उनके विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप KP की वाणी से अवश्य संपर्क करें, अपनी कुंडली भेजे, हम आपको कुंडली देखकर पूरी जानकारी देंगे। अगर आपकी शादी तय हो चुकी है तो सी राशि के जातक प्रातः काल सूर्य दर्शन करें एवं आदित्य सौहृदम स्त्रोतम का पाठ करें। वहीं कुंभ राशि वाले जातक राम सीता जी के दर्शन करें एवं राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आपसे सूचना ही तुले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार है। आप चाहे तो KP कीवानी से संपर्क करें अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पठित ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्ले लिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।